रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ई गुरुजी में, जहां पे हम लोग देखते हैं डेली बहुत सारे अपडेट्स, व्यूअर्स डिमांड वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और वायरल वीडियोस, डू इट योरसेल्फ और ऐसे बहुत सी जानकारियां जो आपके डेली रूटीन में या आपकी ज़िंदगी में उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको जो यूजर्स डेटा की सुरक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं, इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम आपको पूरे वीडियो में बताएंगे, जैसे क्या होता है GDPR, यूजर्स को इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या आपका डेटा अभी भी इन कंपनी के पास रह पाएगा कि नहीं पाएगा, डेटा चोरी आने के बाद कंपनियाँ क्या करेंगी और क्या होगा अगर कोई इस कानून को तोड़ता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आजकल सारे लोग अपना हर डेटा सोशल मीडिया पे ज़रूर डालते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए इस सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, यूजर्स डेटा की सुरक्षा के लिए अब नया कानून GDPR आ रहा है, जो बहुत ही क्रांतिकारी कानून हो सकता है। इंटरनेट की दुनिया में क्या है खास, आइए जानते हैं। दोस्तों, माना जा रहा है कि 25 मई से लागू हो रहे इस कानून का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है खास। पिछले कुछ समय से विभिन्न कंपनियों पर यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप लगे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसा कानून बने जो यूजर्स की गोपनीय जानकारी की रक्षा कर पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन EU में 25 मई से एक नया डेटा कानून लागू किया जा रहा है, जिसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि फिलहाल यूरोप में लागू होने जा रहे इस कानून का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस कानून में, क्या है GDPR। दोस्तों, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन के देशों का एक नया प्राइवेसी कानून है। GDPR अब 1995 में बने पुराने कानून की जगह लेगा। इसके अमल में आते ही कंपनियों को आपके डेटा का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस कानून के आने के बाद यूजर्स को भी अपने पर्सनल डेटा पर पहले से ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। इसे यूजर्स को क्या क्या फ़ायदा होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, GDPR के लागू होते ही कंपनियां आपका डेटा बगैर आपकी जानकारी के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। कंपनियों को आपसे जुड़ी किसी भी जानकारी के इस्तेमाल के लिए आपकी रजामंदी लेनी ही होगी। इसके लिए वह आपसे ईमेल के जरिए संपर्क करेंगे। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों की बात करें तो उन्होंने पहले ही अपनी प्राइवेसी सेटिंग में बदलाव करके उन्हें नए कानून के मुताबिक बना दिया है। क्या आपकी भी कंपनियां आपका डेटा जमा कर पाएंगी? जी हाँ, कंपनियां जरूर आपका डेटा जमा कर पाएंगी, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई वाजिब वजह भी होनी चाहिए। आपसे जुड़ा कोई भी पर्सनल डेटा जमा करने से पहले उन्हें आपकी अनुमति लेनी ही होगी। इसके अलावा कंपनियां किसी भी सूरत में छिपे हुए शर्त या नियम नहीं लगा सकेंगी। हालांकि यदि आपसे जुड़े डेटा का इस्तेमाल जनहित के कार्यों में किया जाता है, तो कंपनियां आपकी इजाज़त के बगैर भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी। दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि डेटा चोरी सामने आने पर कंपनियां क्या करेंगी, तो जी हाँ दोस्तों, डेटा चोरी का कोई भी मामला सामने आने के बाद कंपनियों को 72 घंटे के अंदर इस बारे में संबंधित अथॉरिटीज को जानकारी देनी होगी। कंपनियां
लोगों का डेटा तभी तक अपने पास रख पाएंगी जब तक ऐसा करना जरूरी हो। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका डेटा किसी विशेष कंपनी के पास सुरक्षित नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने उस सर्वर से उसको डिलीट करने की भी मांग कर सकता है। फिलहाल ये नियम यूरोपियन यूनियन में लागू हो रहा है। यहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति का डेटा यदि दुनिया के किसी भी हिस्से में स्थित संस्थान इस्तेमाल कर रही है, तो वह भी इस कानून के दायरे में आएगी। आइए दोस्तों जानते हैं, अगर इसका इस कानून को अगर कोई तोड़ता है तो फिर क्या होगा। यह दोस्तों, इस कानून को तोड़ने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यदि किसी कंपनी को इस कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके ऊपर उसकी सालाना ग्लोबल सेल्स का 4% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह बाकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मामले में यह हर्जाना हजारों करोड़ों रुपए तक जा सकता है। वहीं छोटी कंपनियों के लिए हर्जाने की रकम $23.5 मिलियन या लगभग 160 करोड़ रुपए तक तय की गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की बहुत सी आपको जानकारियाँ हम लोग लगातार अपने नए नए वीडियो में देते रहेंगे। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में।